हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं उत्तराखंड इतिहास का। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की। इससे पहले आपने उत्तराखंड के इतिहास में लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप संस्थान के यूट्यूब चैनल मेधा सल्दानी में जाइए। वहाँ पर प्ले लिस्ट में उत्तराखंड का इतिहास प्ले लिस्ट क्रिएट किया गया है, आप वहाँ पर जाकर उन 2 लेक्चरों को देख लीजिए। आप डायरेक्टली आप इस लेक्चर 3 को देखिए, ठीक है ना गाइज। और गाइज, इसमें के अलावा जो है गाइज, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये लेक्चर। आज का बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में अजय पाल की, ये होंगे 37वें नंबर के शासक। टाइम पीरियड जो है गाइज इनका, ये रहेगा 1490 से लेके 1519 तक। पवार वंश के सबसे प्रतापी शासक ये हैं और गढ़वाल शब्द का जन्मदाता भी इन्हें बोला जाता है। हालांकि जो है शिव प्रसाद डबराल ने मौलाराम को बोला है, वो आगे हम पढ़ लेंगे। इनके समकालीन हैं सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के समकालीन ये हैं और वास्तविक संस्थापक भी इन्हें बोला जाता है। तो पवार वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हें बोला जाता है। इसके अलावा गाइस, जिनके उपनाम की बात करें तो गढ़वाल का अशोक इन्हें बोला जाता है, आदिनाथ भी बोला जाता है, गढ़वाल का युधिष्ठिर भी बोला जाता है। आदिनाथ सावरी ग्रंथ में अजयपाल को जो है ना, इसके अलावा आदिनाथ के अलावा सावरी ग्रंथ में अजयपाल को महात्मा भी कहा गया है। गढ़वाल का युधिष्ठिर भी इन्हें बोला गया है। कृष्ण, भीम, कुबेर व इंद्र भी इन्हें मानोदय ज्ञानोदय काव्य में कहा गया है। मानसाह के राज्य कवि कवि भरत की जो है ये रचना है मानोदय काव्य। इसके अलावा गाइज, मापन प्रणाली की बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो गाइज, ये जो मापन प्रणाली है ये है धूली पाथा के नाम से जो है इन्होंने चलाया था। पहले चलता था पाथा, ये पाथा लगभग 2 किलो का के आसपास का वेट इसमें होता था। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। कहानी ये है गाइज कि थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम समझेंगे कि इनके समझ में ना, ये जो ये पाथा है सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है सेट कर दिया था। कोई फिक्स नहीं था कि एक पाथा में कितना क्या लिमिट रहेगी, कितना किलो इसमें एक नियत जो डाटा है, नियत जो वेट होगा उसका कोई पता नहीं था। सब ने अपने अपने मन के बना दिए थे। तो इससे जो है काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ रहा था इन्हें राजस्व वसूली में। तो इनके रिप्लेसमेंट में इन्होंने धर्म पाथा अर्थात धूली पाथा को चलाया। पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने चलाया ये पूछा गया था, तो गाइस ये चलाया था अजयपाल ने। जब हम चंद्रवंश पढ़ेंगे तो उधर हम नाली प्रणाली की बात करेंगे जो कि बड़ी फेमस है आज भी, ठीक है। कतिरू की नाली प्रणाली की बात करेंगे, आज भी कुमाऊँ क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। आगे बात करते हैं गाइस राजधानी की। तो गाइस, ये राजधानी इन्होंने बनाई देवलगढ़ श्रीनगर को, और यहीं पर एक कुलदेवी का मंदिर बनाया। राज राजेश्वरी इनकी कुलदेवी थी, इनका मंदिर बनाया। ये देवलगढ़ जो है ना छोटा सा एक पहाड़ी इलाका है, और ये देवलगढ़ को हमने उधर गढ़ में पढ़ा होगा गाइस, 46 नंबर का एक गढ़ था देवलगढ़, ठीक है ना। तो गाइस, ये ओवरऑल जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। अगर आपने लेक्चर को अच्छी तरह से देख लिया ना तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ से क्वेश्चन सही करेंगे। आगे बात करते हैं, 1491 में अजयपाल ने 52 गढ़ों को विजिट करने का सपना देखा और इन पर राज करने का सपना देखा। तो इसी क्रम में अजयपाल ने सबसे पहले कुमाऊँ पर आक्रमण किया 1491 में, और ये इसका पहला युद्ध था। और इस ये युद्ध जो इसने लड़ा अजयपाल और कीर्तिचंद कुमाऊँ के शासक थे चंद्रवंश के, तो इनके बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में विजयी हुए कीर्तिचंद और अजयपाल हो गए पराजित। और ये पहले शासक है जिन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो कौन, तो कीर्तिचंद है और अजयपाल पहले शासक हैं जिसने कुमाऊँ पर आक्रमण किया। अब जब ये पराजित हो गए हैं ना, तो इसके बाद ये लोहबगढ़ के किले में आ जाएंगे, और लोहबगढ़ में यहाँ पर किला नहीं है सॉरी गाइस, गुफा में आ जाएंगे और इस गुफे में ये तपस्या करने लग जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ, 52 गढ़ों को जीतने का सपना इन्होंने देखा था, और पहले युद्ध में ये क्या हो गए हैं, हार गए हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है ये बाद में तपस्या करते हैं, तो तपस्या में ये बैठते हैं, तो बाद में शिव भगवान इनसे प्रसन्न होते हैं और इसके बाद जो है अपना
जो है यहाँ पर गाइज इनसे वरदान मांगने के लिए कहा जाता है, और ये वरदान में यही मांगते हैं कि अपने सपने को जो इन्होंने देखा है उसको साकार करने की बात ये करते हैं। और शिव जी ने यहाँ पर एक बताया जाता है, कहानी अलग अलग है हर जगह गाइज, तो इसमें बताया जाता है कि शिव जी ने एक विशाल रूप धारण किया, जो कहानी प्रमाणित सी लगती है, और जिससे ये जो है ना गाइज डर गए, ठीक है ना। इसके बाद शिव जी ने जो है ना इनको जो है अपनी भुजाओं में बैठाया, और उस विशालकाय जो है रूप धारण करने के पश्चात बताया कि जो जितना भी इलाका आपको दिख रहा है ना, जितना बड़ा इलाका आपको दिख रहा है, ये जितना पूरा इलाका आपको दिख रहा है, ये सब इलाका आपका हो गया, ये वरदान दिया था शिव जी ने इन्हें, ठीक है ना। इसके बाद गाइज इसके अगले वर्ष ठीक 1492 में ये ईस्वी में ये अजयपाल फिर से कीर्तिचंद से युद्ध करेंगे, और इस युद्ध में कीर्तिचंद जो है हार जाएंगे और अजयपाल जीत जाएंगे। ये तो पहला जो है जीत गए हैं युद्ध, और इसी के युद्ध के तहत देवघाट की संधि होगी, और देवघाट की संधि के तहत गढ़वाल और कुमाऊं का जो बॉर्डर निर्धारित किया गया, इसी देवघाट को किया गया, और इस तरीके से इन्होंने अपना पहला युद्ध या पहला गढ़ जो है विजित कर लिया, ठीक है ना। तो गाइस ये अजयपाल को लेके जो कहानी है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टेड कहानी है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है, जो अक्सर हमें किताबों में देखने को नहीं मिलती है। आगे है कोलीगढ़, यहाँ पर जो है शासन कर रहे थे झगड़ सिंह, ये यहाँ पर जो है झगड़ सिंह ने नेगी जाति को कैद किया हुआ था, ये बड़े परेशान कर रहे थे इन्हें, तो नेगी जाति को इन्होंने कैद किया था, तो अजयपाल ने इसी का फ़ायदा उठाया, अजयपाल ने झगड़ सिंह को पर हमला किया और झगड़ सिंह को पराजित किया, और नेगी जाति को क्या कर दिया, यहाँ से मुक्ति दिला दी, और इस तरीके से गाइज ये गढ़ भी इन्होंने जीत दिया, क्योंकि ये नेगी जाति ने अजयपाल का समर्थन किया, क्योंकि कई सालों से जो झगड़ सिंह हैं उनको कैद किए हुए था और कुछ भी करना नहीं देता था, तो इसी कारण से जो है अब नेगी जाति तो इसका विरोध करेगी नहीं, इसीलिए जो है अजयपाल का समर्थन इन्होंने किया। आगे जो है गाइज आएगा नागपुरगढ़। एक चीज़ और गाइज, गाइज अगर आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको हमारे लेक्चर देखने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसा कि हम आपको हर लेक्चर में बताते हैं, सिर्फ आप लेक्चर को देखने के बाद नोट्स ज़रूर बना लें, ठीक है। तो गाइज यही तरीका हमारा रहता है, यही क्वालिटी और यही कंटेंट जो है एक बेहतर कंटेंट है हमारी टीम द्वारा आपके लिए जो है तैयार किया जाता है, और इसमें जो है ना गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ जो है तैयारी करनी है, लेक्चर को देखना, नोट्स जरूर बनाने, चाहे कोई भी विषय हो, सभी विषयों को आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूर पढ़ाया जाएगा। नागपुरगढ़ गाइज यहाँ पर नरवीर सिंह गोसाई शासन कर रहे थे, तो बताया जाता है कि इसके पास एक मणि थी, और ये मणि जो है लोहे की वस्तु को सोने में बदल देती थी, इसलिए जो है ये नागपुरगढ़ हाईलाइटेड हो गया था। तो अजयपाल ने क्या किया, इसी नागपुरगढ़ पर हमला किया और इस तरीके से इसे भी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। इसके बाद जो गाइज आगे उत्तरी क्षेत्र को विजित करने के बाद, उत्तरी क्षेत्र को विजित करने के बाद ये दक्षिण में प्रवेश कर गया, ठीक है ना, दक्षिण में प्रवेश ये कर गया। अच्छा एक चीज़ और इससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते, जो लोहबगढ़ है ना जहाँ ये पहले जो है तपस्या करने गया, तो वो 24वें नंबर का गढ़ था, वो हम वहाँ पर बताना भूल गए थे, हालांकि गढ़ वाली सीरीज में कल के लेक्चर में हमने ये बात कही थी पहले लेक्चर में। और कोलीगढ़ जो था ये दूसरे नंबर का गढ़ था, झगड़ सिंह जहाँ पर था नेगी जाति को कैद किया हुआ था, इसके अलावा जहाँ पर ये लोहे की मणि सोने की सॉरी जो मणि थी लोहे की वस्तु को सोने में बदल देती थी, तो ये जो नरवीर सिंह गोसाई जहाँ का शासक था ये नागपुरगढ़ था, और नागपुरगढ़ हमने पहले ही पढ़ा था कि ये पहले नंबर का गढ़ है करके, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र में मैं विजय करने के पश्चात अब ये करेगा दक्षिण में एंट्री, क्योंकि गाइज बावनगढ़ को विजिट करके गढ़वाल ये बनाते हैं, तो बावन के बावनगढ़ों को एलाबोरेट अभी तक नहीं किया गया है, तो जो मेन मेन पॉइंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें तो हम पूरा कवर करेंगे ही करेंगे। तो गाइज यहाँ दक्षिण क्षेत्र में असवाल जाति थी जो बड़ी बहादुर जाति मानी जाती थी, तो इसने क्या किया, इस तराई क्षेत्र में यहाँ पर बार बार मुगल डाकू आते थे और बार बार इनको लूटते थे, तो अजयपाल ने डायरेक्ट क्या किया, इधर से अजयपाल ने डायरेक्ट इन मुगल डाकुओं पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद इनको यहाँ से खदेड़ देता है। जब खदेड़ दिया, ये महाबगढ़ एक प्रसिद्ध किला है, ठीक है ना, और
इससे जो है ये असवाल जाति क्या हो गई, प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर अजयपाल को जनता असवालों का दोनों का समर्थन मिल गया। और इस तरीके से महाबगढ़ को भी अजयपाल ने क्या कर दिया गाइज, विजित कर दिया। सो गाइज वीडियो लेक्चर अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें, साथ ही साथ लेक्चर को शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आगे बात करेंगे गाइज राजधानी की, और राजधानी में गाइज अजयपाल ने 1512 में देवलगढ़ श्रीनगर के पास का एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है, इसको इसने राजधानी बनाया। लेकिन 1517 में इसने राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया। 1517 में ही इसने यहाँ पर महल का निर्माण कराया। हालांकि 1803 में ये भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था, और 1894 में जब भयंकर बाढ़ आई तो उस बाढ़ में तो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया इसका, ठीक है ना। अब गाइज आगे जो बात करेंगे हम देवलगढ़ की, तो बात कर चुके हैं ये 46वें नंबर का गढ़ होगा, याद रखना गढ़ में भी थोड़ा सा बात करेंगे गाइज। अब हम आगे श्रीनगर की, गाइज श्रीनगर को जो है ना गढ़वाल का दिल्ली भी बोला जाता है, ठीक है ना। गढ़वाल का दिल्ली क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस प्रकार गढ़वाल में जो है ना गढ़वाल का दिल्ली इसलिए कहा जाता है गाइज, यहाँ पर 11 बार आक्रमण हुए और 11 के 11 बार इन्हें बार बार श्रीनगर को पुनर्स्थापित कर दिया गया। तो इसी प्रकार दिल्ली पर भी 17 बार आक्रमण हुए थे और इसे भी बार बार पुनर्स्थापित कर दिया गया था, तो इसलिए इसे श्रीनगर को क्या बोला गया है, गढ़वाल की दिल्ली बोला गया है। आगे बात करते हैं गाइज श्रीनगर का जो वर्णन है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। जो सत्ययुग राजा थे सत्यसंग को कोलासुर राक्षस जो है ना बार बार पराजित कर रहे थे, इससे परेशान होकर जो सत्यसंग है इन्होंने जो है देवी माँ की तपस्या की। बाद में जो है तपस्या करने के पश्चात जो है ना देवी माँ जो है इनसे प्रसन्न हुई, और बाद में जो है ना इस तरीके से जो कहानी बनती बाद में इन्हें वरदान दिया गया, और जो है इस क्षेत्र में जो है ना ये श्री यंत्र की स्थापना करने के लिए एक क्षेत्र इनको बताया गया, और बाद में यही क्षेत्र जो है श्रीपुर या श्रीनगर के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये कहानी थी श्रीनगर की। आगे अब बात करते हैं अजयपाल के 52 गढ़ों से रिलेटेड, क्योंकि गाइस 52 गढ़ों का विश्लेषण करना लेक्चर में पॉसिबल है नहीं, और उत्तराखंड का इतिहास ऐसा है कि इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। तो गाइस लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए लेक्चर को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो गाइस अजयपाल जो है ना 52 गढ़ों को जब विजिट कर लेता है तो ये एक महोत्सव का आयोजन करता है, और ये महोत्सव का आयोजन श्रीनगर जो कि इसकी राजधानी है यहाँ पर करेगा। और यहाँ पर जो इसने 52 गढ़ जीते थे 52 के 52 गढ़ों के राजाओं को यहाँ पर आमंत्रित करेगा और बताएगा कि आप आइए और यहाँ पर अपनी अपनी अधीनता को स्वीकार, यहाँ पर जो है आप मेरी अधीनता को स्वीकार कीजिए। लेकिन गाइज यहाँ सबसे रोचक कहानी फिर स्टार्ट होती है, एक उपूगढ़ पड़ता है, उपूगढ़ 13वें नंबर का गढ़ होगा, ये टिहरी गढ़वाल का जोहापट्टी इलाके में पड़ता है। यहाँ का शासक था कप्पू चौहान उस समय, और ये कप्पू चौहान ना बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था, बोल सकते कि एक महान शासक था। इसने अजयपाल से साफ साफ मना कर दिया कि हम आपके महोत्सव में नहीं आएंगे और ना ही हम आपकी अधीनता को स्वीकारते हैं। तो अजयपाल जो है ना इससे तिलमिला गया, और अजयपाल जब तिलमिला गया तो गाइस इसने अजयपाल ने एक चेतावनी जारी कर दी कि अगर नहीं आओगे तो हम फिर से युद्ध करेंगे। लेकिन कप्पू चौहान ने फिर से मना कर दिया, कप्पू चौहान को जो है इसकी चेतावनी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। जब इसने ये बात कही तो कप्पू चौहान ने भी रिप्लाई दिया और अपनी तुलना पक्षियों में गरुड़ और पशुओं में शेर से कर दी, और स्वाधीनता स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन अब बाद में अजयपाल ने कप्पू चौहान पर बाद में हमला कर दिया, और जब हमला किया तो कप्पू चौहान का जो सेनापति था उस समय था देवू, ठीक है ना। हमले करने से पहले की कहानी थोड़ा सा अब आपको बता दिया जाए तो गाइज इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कहीं ना कहीं जो है अजयपाल अपने आप में एक महान शासक था, क्योंकि वो 52 गढ़ों को विजित कर चुका था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कप्पू चौहान की माँ को जो है थोड़ा सा डर जरूर था। तो कप्पू चौहान की माँ ने भी प्लान बनाया और अपना सेनापति जो देवू है देवू से बात की, बोला कि अगर युद्ध में हमारी स्थिति खराब होती है तो आप ये सूचना लेके आप हमारे पास
पास आएंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे और हम पूरे इस राज्य को राख राख कर देंगे और जो यहाँ पर स्त्रियाँ हैं सभी क्या कर देंगी, पद्मावती की तरह जौहर प्रथा को अपना लेंगी। तो गाइज आगे जो है यही बातें होती हैं। और एक होता है मिस अंडरस्टैंडिंग। मिस अंडरस्टैंडिंग क्या होती है गाइज, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है ना गाइज, इधर कप्पू चौहान को अजयपाल की सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। जो यहाँ पर आप ये तीर का निशान देख रहे हैं चारों ओर से, तो इसका संकेत है कि अजयपाल ने जो है कप्पू चौहान को चारों तरफ से घेर दिया है। लेकिन यहीं पर दाव उल्टा हो जाता है और मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सेनापति देवू से। सेनापति देवू समझता है कि अब कप्पू चौहान को, हमारे राजा को चारों ओर से घेर दिया, अब बच पाना मुश्किल है। तो इसलिए देवू जो है ये समझता है कि अब राजा का बच पाना तो मुश्किल है, साथ ही साथ पराजित होना जो है निश्चित है। देवू ये सूचना लेके राज्य में प्रवेश कर जाता है और राज्य में सूचना जारी कर देता है और राज्य को इस तरीके से जो उसकी माँ है, पूरा राज्य जो है राख राख हो जाता है और बाकी जौहर प्रथा को वो लोग अपना लेते हैं। लेकिन स्थिति क्या होती है वहाँ युद्ध में, बिल्कुल विपरीत होती है। कप्पू चौहान इस युद्ध को जीत जाता है और जब वापस आ रहा होता है ना, अपने राज्य को राख राख देकर कप्पू चौहान पूरी तरीके से टूट जाता है। और टूट जाता है तो पुनः अजयपाल उससे मुलाकात करता है, बोलता है कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। और इस तरीके से कप्पू चौहान जो है अधीनता को स्वीकार करने से फिर भी मना कर देते हैं और कप्पू चौहान को यहाँ पर अजयपाल कैद करने का आदेश देते हैं और सिर को कलम करने का आदेश भी देते हैं। फिर जब सिर को कलम करने का आदेश देते हैं ना, यहाँ भी एक कहानी फिर से और है, ठीक है ना, कि अजयपाल कहते हैं कि इसका सिर इस तरीके से काटा जाए, इस तरीके से कलम किया जाए कि इसका सिर जो है ना मेरे पैरों में गिरना चाहिए, क्योंकि हमारी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है इसका सिर मेरे पैरों पर गिरना चाहिए। लेकिन अंततः जब ना कप्पू चौहान का सिर कलम किया जाता है ना, तो भी जो है ना उसमें वो कप्पू चौहान का सिर अजयपाल के पैरों तक नहीं पहुंच पाता है और अजयपाल ने अंततः ये बात को स्वीकार किया और ये शब्द जो है कप्पू चौहान के लिए बोले कि वीर तुम जीते और हम हारे। और इस तरीके से जो है कप्पू चौहान का अंत हो गया। और इसी युद्ध के पश्चात अजयपाल ने ना युद्ध को त्याग दिया और गोरखनाथ पंथ का अनुयायी हो गया। इसीलिए जो है जिस प्रकार से कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने जो है युद्ध को त्याग दिया, धम्म की नीति को अपनाया, उसी तरीके से गढ़वाल में जो है अजयपाल ने भी कप्पू चौहान यानी कि जो उपगढ़ का शासक था उसकी हत्या करने के बाद जो है ये युद्ध की नीति को त्यागा और गोरखनाथ पंथ का अनुयायी हो गया, इसलिए इसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। और ये जो है अटकिंसन ने भी जो है ये इन्हें गढ़वाल का अशोक बोला है। बिल्कुल सेम घटना होती है जो अशोक के साथ होती है। भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में नंदराज कलिंग के राजा अशोक के बीच में, तो इस युद्ध में लगभग 2.5 लाख लोगों को, जो 1 लाख लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया था और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया था, या बोल सकते हैं कि घायल कर लिया था। जब तो इसीलिए जो है सेम कंडीशन यहाँ पर गढ़वाल में अजयपाल से होती है, इसलिए इसे भी यही बोला गया कि गढ़वाल का अशोक एटकिंसन ने। हालांकि जो अजयपाल है, जब ये गोरखनाथ का पंथ का अनुयायी हो जाता है, इसके गुरु थे सत्यनाथ, इनकी जो है देवलगढ़ में समाधि भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, बाद में बनाएंगे। अजयपाल ने जो है ना इसके अलावा जो है केंद्रीय सेना का भी निर्माण किया। इन्होंने नगद पैसा न देके यथेष्ट भूमि बहादुरी के लिए जो दी जाती थी वो सैनिकों को देना शुरू कर दिया। अब राजपाट तो अजयपाल चला ही रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुगल डाकू हैं बाहरी आक्रमण करते थे, जो ये डाकू तराई क्षेत्र में बार बार आते थे लूटते थे, तो इनको रोकने के लिए यहाँ पर सेना इकट्ठा कर दी और मेहाबगढ़, लंगूरगढ़ और गुजरूगढ़ में इन्होंने इस सेना को स्थापित कर दिया। तो 31वां गढ़ लंगूरगढ़ और गुजरूगढ़ था 44वें नंबर का गढ़, तो यहाँ पर जो है इन्होंने सेना को जो है तैयार कर दिया कि अब आओ मुगल डाकुओं, तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है।
आगे अजयपाल क्या करता है, असरौला ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है, जो कि ये खाना बनाने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। आगे सरौला सभा की भी बात करेंगे। कीर्ति शाह के शासनकाल में सरौला सभा की स्थापना होती है 1904 में, 1914 में गढ़वाल सभा में इसे शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा अब विशेषताएं देखते हैं देवलगढ़ श्रीनगर की। तो यहाँ पर राज राजेश्वरी देवी पीठ की स्थापना की, जो कि इनकी कुलदेवी थी, और सत्यनाथ सिद्ध बाबा मंदिर की भी स्थापना अजयपाल द्वारा यहाँ पर की गई है। सो गाइस, आपको पहले ही बता दिया गया है कि लेक्चर काफ़ी लंबा है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं गाइस, जो गोरखनाथ पंथ है, गोरखनाथ पंथ में अजयपाल को जो है ना गढ़वाल का एक छत्र सम्राट बोला गया है। इसके अलावा आदिनाथ के नाम से भी इन्हें यहाँ पर बोला गया है। जो अजयपाल हैं, ये कत्यूरी शासकों के स्वर्ण सिंहासन, सॉरी कत्यूरी शासकों से इसने स्वर्ण सिंहासन को भी छीना था, और केदारखंड को गढ़वाल कहा जाने लगा। तो ये अजयपाल के शासनकाल में ही केदारखंड को गढ़वाल कहा जाने लगा। कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन इसने छीना भी था। आगे 1519 में जो है ना अजयपाल की हो जाती है मृत्यु, ठीक है ना। आगे क्या होता है, 1519 में अजयपाल की हो जाती है मृत्यु, और इस तरीके से इसका पुत्र कल्याणपाल शासक आता है अगला, लेकिन इसका उल्लेख ज़्यादा है नहीं। 1519 में शासक बनेगा और ये होगा 38वें नंबर का शासक, क्योंकि 37वें नंबर का शासक ऑलरेडी अजयपाल था, तो ये होगा 38वें नंबर का शासक। इसके बाद जो है गाइस, जॉर्ज विंग्स की एक पुस्तक है गोरखनाथ एंड द कनकटा योगीज, इसमें लिखा गया है कि अजयपाल गोरखनाथ के 84 पंथों में से एक पंथ का संस्थापक भी था करके, ठीक है ना। इसके बाद जो गाइज आगे अब आने वाला है, कल्याणपाल तो अजयपाल का पुत्र है, 38वें नंबर का शासक होगा। इसके बाद अगले शासक आएंगे सुंदरपाल, इनका भी ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है। अगले आएंगे हंसदेवपाल, इनके बारे में भी ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है। लेकिन अगले जो शासक आएंगे विजयपाल आएंगे गाइज, ये विजयपाल के समय में जो है विजयपाल ने तिब्बत, जो कि इसका पुराना नाम है दापा, यहाँ पर जो है आक्रमण किया था। ये एक असफल आक्रमण था, क्योंकि जो तिब्बती लोग ना इनके क्षेत्र में आकर बार बार लूटपाट मचाते थे। इससे परेशान होकर विजयपाल ने इन पर असफल आक्रमण किया। आक्रमण असफल क्यों रहा गाइज, ये आक्रमण जो है ना जाड़ों के दिनों में किया गया, जिसमें जो है ना स्लाइडिंग हो रही थी, हिम स्लाइडिंग हो रही थी, तो बर्फ़ टूटने से, वो सब टूटने से जो है इनके सैनिक काफ़ी नुकसान हो गया था सेना को इनके, तो इसलिए जो है ये आक्रमण जो है असफल रहा था। ये ओवरऑल बात थी गाइज अजयपाल से लेके विजयपाल तक। आगे जो है गाइज, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सहजपाल की, 42वें नंबर के शासक होंगे, और एक राजनीतिक चतुर उन्हें बोला जाता है, प्रजा को सुख देने वाला शासक उन्हें बोला जाता है, अकबर के समकालीन भी ये थे। इसके अलावा गाइज ये बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा लंबा, क्योंकि हमारी डेली सीरीज चल रही है यूट्यूब चैनल पर भी। तो गाइज अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसी लग रही हैं, और आप बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। और गाइज अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट हमें मिलेगा, तो इसी तरीके से जो है गाइज हम यहाँ पर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू गाइज़।